लिए कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है ना बेटा। संदीप सिंह रावत, कमलेश गोदारा, रिंकू लाल, सुमेर सिंह सैनी, अशोक गर्ग, लवली डियर, अखिलेश कुमार, कैसा राम आनंद, जयवीर तेजा जी की कुचामन सिटी से हैं, प्रवीण जांगू, मनीषा मेहरा, सभी को नमस्कार भाई लोगों है। मनीषा क्या करेगा इतना नव शिक्षा की एक ऐसा दीपक है जो बिल्कुल सही है, शिक्षा से बड़ा तो कोई उजाला हो ही नहीं सकता। केदार मीणा, अर्जुन सिंह, कमलेश, लवली डियर सर, आज मैंने आपका कवि सम्मेलन देखा था, गजब सर, लड़ाई लड़ाई में हंसी, वेरी गुड। राहुल सिंह, मुकेश कुमार, फौजी यार तेरा थानेदार, सभी को नमस्कार। सुमन गीला, हेमलता मीणा, लवली डियर, केसा राम आनंद, मुकेश कुमार गुर्जर, सुखराम गुर्जर, मनीषा मेहरा, समय सिंह बैंसला, राहुल सिंह, अर्चना सिंह, कैलाश चंद, शिव कुमार त्रिपाठी, समय सिंह बैसला, सुमेर, समय सिंह, प्रवीण, बुद्धराम स्वामी, कमलेश गोदारा, मंजीत सिंह यादव, लवली, महेश, धीरे 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 सट सट लेगा, धर्मवीर मीणा, राहुल सिंह, राम लखन मीणा, कमलेश गोदारा, सत्यपाल गुर्जर, गज्जू का कहाँ है, कमलेश गोदारा, मुकेश मीणा, मुकेश कुमार, मनीष कुमार, राहुल सिंह, मोनिका स्वामी, विष्णु जाट, सवाई माधोपुर, दिनेश प्रजापति, ओमाराम, जयवीर तेजा जी की, जीतराम चौधरी, काठेड़ा फागी वाले जाट की तरफ से, राम राम भाई, गणेश सिंह, धर्म सिंह, धर्मवीर सिंह, कमलेश गोदारा, मुकेश कुमार, भुकड़िया थे टाइम पर आ जाए करो, नहीं तो मैं घराने कह दूँ, लो मत कीजिए यार, नहीं कुटली लू गई, गणेश सिंह, योगेश मीना, शिव कुमार त्रिपाठी, प्रवीण, मनीष, गणेश, सूर्य प्रकाश, लवली, राहुल, मनीषा, कमलेश गोदारा, सत्यपाल गुजर, सभी को राम 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 राम। इंतजार करें तो इंतजार पूरा हुआ, आपकी सुपरहिट फिल्म आपके बीच में हाजिर है, अंकित, राहुल, मनजीत, गणेश, आरजे, आत्मनिर्भर भारत, कैसा राम आनंद, हेमलता मीणा, राहुल, लवली डियर, इंतहा हो गई, इंतजार की इंतजार खत्म हुआ आपका, मंजीत सिंह यादव नमस्कार थानेदार, अजय कुमार, महेश, लवली, जीतराम, राहुल, गणेश, सुनील, हीरा लाल गुर्जर, मनीष कुमार चौधरी, दीपक यादव, राधे राधे गुर्जर, हरसाणा, सुरेंद्र चौधरी गुर्जर, हरसाणा गुर्जर, हरसाणा, नमस्कार नमस्कार भाई हरसाणा, मनीषा मेरा, रविंद्र सिंह परमार, नमस्कार गुर्जर, ठीक है सभी को नमस्कार। आइए चलते हैं, अपन चल रहे थे लोकगीत, और लोकगीतों में हमने पढ़ना चालू कर दिया था अन्य गीत जो पर्वोत्सव के भी नहीं है, विरह के गीत भी नहीं है, दाम्पत्य प्रेम के गीत भी नहीं है, बना बनी भी नहीं है, एक तरफ लोकगीत लिखते हैं, एक तरफ लिखते हैं उनका विषय। एक गीत आपने खूब सुना होगा, गीत का नाम है कान्या मान्या कुर, छोरो सुना होगा कान्या मान्या कुर, ये कान्या मान्या कुर है राजस्थान का बाल गीत, राजस्थान का बाल गीत। बाल गीत का मतलब ऐसा नहीं कि जिसके बाल उठ जाते हैं वो गाता है, बाल उग जाते हैं इससे, वो नहीं, ये बच्चों का गीत, बाल यानी बच्चा, बच्चों के गीत, जब छोटे बच्चे होते हैं, पुराने जमाने में उनके पास ये मोबाइल नहीं होते थे, आजकल के छोटे बच्चे तो पापा का इंतजार करते हैं, पापा कब आएंगे, पापा का नहीं दरअसल वो मोबाइल का इंतजार करते हैं कि कब पापा सोएर, हम कब उनका मोबाइल चुराएं, मांग के लें, छीन के लें, रोक के लें, और सारे दिन उसमें वो खेलते रहते हैं गेम्स। पहले जब हम छोटे बच्चे हुआ करते थे तो गोल गोल घूमना ये गीत गाना ही हुआ करता था, कान्या मान्या कुर, कान्या मान्या कुर, जोधपुर की गाड़ी आई कबूतर उड़ा हुर हुर, अरे कान्यो मांग्यो दूध राबड़ी नानी घाली खीर, सुना होगा आपने ऐसा गीत सुनाओ ना सर, सुना दिया सुमेर सिंह, कान्या मान्या कुर, कान्या मान्या कुर, जोधपुर की गाड़ी आई कबूतर उड़ा हुर हुर हुर, कान्यू मांग्यो दूध राबड़ी नानी गाली खीर, और एक छोटा बच्चा दूसरे बच्चे के कान में मुंह डालकर फिर जोर से करता था कान्या मान्या कुर, फिर उसके कान में कंपन सा होता था, गुदगुदी सी होती थी, ये गीत है। फूफा जी बेजा मोड़ाया नहीं, तू ही मोड़ाई बेटा, मुकेश कुमार भुकड़िया, हाँ सुना था आपसे कबड्डी कॉलेज भाई में, अच्छा लव यू लव यू, मारे तो कानावाती, हाँ कान्या मान्या कुर है बेटा उस गीत का नाम।
राजस्थान का बाल गीत कौन सा गीत है जो बच्चों में सर्वाधिक लोकप्रिय है? वो गीत है कान्या मान्या कुर। ये लास्ट की पीढ़ियां हैं जिन्होंने कान्या मान्या कुर, आने वाले समय में कान्या मान्या कुर, ये कुछ नहीं बचेगा पूरा। आप देखो कहाँ कोचिंग है, कहाँ कॉलेज है, कहाँ स्कूल है, कौन कहाँ बेटा, अभी मैं कमेंट, कोई उत्कर्ष में पढ़ रहा है और कोई कहाँ पढ़ रहा है, कोई कहाँ पढ़ रहा है, सब ऑनलाइन का जमाना आ गया आजकल। तो ये जो असली मजा था, जो धरातल का मजा था, वो गेम वेम सब कुछ चले गए। अजय कह रहा है, अजय गुजर राम राम, अर्जुन बैरवा नमस्कार, कमलेश गोदारा। उसी प्रकार देखते हैं एक गीत है छोरो बीच यू। पहले हमने विरह गीतों में गीत पढ़ा था बिच्छूडो। बिच्छूड़ा एक जानवर होता है, बिच्छू, स्कॉर्पियो बोलते हैं जिसको अंग्रेजी में। मैं तो मरी होती राम मरी होती, खा गयो बेरी बिच्छूड़ो। वो बिच्छूड़ो ये बिच्छू है, वो बिच्छूड़ो जानवर होता है, ये बिच्छिया होता है महिला के पांव का आभूषण। देखा होगा महिला पांव की अंगुली में एक आभूषण पहनती जिसको बिच्छूड़ी या बिच्छिया बोलते हैं। मन ने बिछिया गड़ा दे रहे ओ सैया दीवाने, वो बिछिया। और मित्रों एक गीत है लालर। बिछिया बिछियो एक आभूषण है और लालर एक ओढ़नी होती है। पुराने जमाने में तो सेकावटी क्षेत्र की महिलाएं ओढ़ा करती थी, विशेष रूप से जाट जाति की महिलाएं। एक ओढ़नी होती है लालर। लालर ला दे रे नणदल का बीरा हरिया रेडा बाणी, वो लालर ला दे रे। और ये जो दोनों गीत हैं, ये दोनों गीत कौन गाते हैं साहब, याद रखना, ये गीत है आदिवासी महिलाओं के गीत, आदिवासी महिलाओं के गीत। आदिवासी महिलाएं भी कहां की गाती हैं, ये मेवाड़ की, मेवाड़ व वागड़, मेवाड़ व वागड़ में गाते हैं। वागड़ में आता डूंगरपुर बांसवाड़ा, मेवाड़ में प्रतापगढ़ उदयपुर चित्तौड़गढ़ राजसमंद, इन जिलों में ये गीत गाए जाते हैं बीचियों और लालर। आदिवासी बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब आता है बार बार, पिछली बार पटवारी में भी आया था ये लालर वाला गीत। लालर और बीचियों ये आदिवासियों के बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, याद रखना। कान्या मान्या कुर राजस्थान का बाल गीत है, बीची और लालर जो है आदिवासी महिलाओं के गीत हैं, जो मेवाड़ और वागड़ की महिला इन गीतों को गाती हैं। इसी सूची में सुनते हैं एक बहुत प्यारा गीत जो आजकल शायद गांव गली में गूंज रहा है, और गीत का नाम है तेजा टेर। आप में से कौन कौन है जिसको तेजा टेर गानी आती है कान में अंगुली डालकर? सोनल चौधरी, मैं तो मरी होती आज वो बिछुड़ा है बेटा सोनल, ये बिछियो है। अजीत कह रहा है कागज की ले आयो, ये शायद तेरी मम्मी ने गाया होगा जब पापा लेके आए तब, है ना? रुको थानेदार जी रुको, जय हो सर जी, जय भोले बाबा की। हाँ ये रहा जाटों का गीत, उमा राम जानी बाड़ मेरी। तेजा किस किस को आता है? सर आपने अपनी टीम क्यों छोड़ दी, होता है कई बार, रही होगी मजबूरियां उनकी भी, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तेजा गायन, कमलेश गोदारा कह रहा है जाइल वाले, हाँ सुना देगा, पण मारा कंठ फटेड़ा है, कंठ ही फटेड़ा है ना। तेजा टेर, अरे गाजो गाजो जेठे आषाढ़ कंवर तेजा रे, लग तोड़ो गाजो सावण भाद, वो चौमासे के चार महीने इसमें, कि गाजो गाजो जेठ आषाढ़ कंवर तेजा रे, लग तोड़ो गाजो सावण भाद, वो बाजार बाजा ढोल मंजीरा रे कंवर तेजा रे, नौपत तो बाजी थारे नाम की, खारो तेरो तालाब बरगोर कंवर तेजा रे, खारिया की योगा जान लागी खेजड़े। पर्वत सर में जो तेजा जी का मंदिर है वहां खांडिया खेजड़ा और खारिया नाम का तालाब है, जो तेजा जी ने बहुत ही चमत्कार किया था। खांडिया खेजड़ा एकदम सूखा था और जयपुर के राजा जगत सिंह को चमत्कार दिखाया था, सूखी हुई खेजड़े को हरा कर दिया था।
खारो तेरो तालाब भरगोर कमर तेजा रे। परबतसर के आसपास खारा पानी है, लेकिन वह खारिया नाम का एक तालाब है जिसमें कोई दिन खारा पानी होता था। जगत सिंह के सामने तेजा जी ने चमत्कार दिखाया, उस पानी को मीठा कर दिया। आसपास का सारा पानी खारा होता है, लेकिन खारिया तालाब का पानी मीठा है। ये तेजा जी का क्या? तो खारो तेरो तालाब भरगोर कमर तेजा रे, खारिया की योगा जान लागी के जड़े। ये तो हमारे शेखावाटी में गाते हैं। असली जो तेजा है वो ये जो आप रूपनगढ़ किशनगढ़ का जो इलाका है, तेजा जी का जो सुरसरा वाला धाम है या नागौर, इस बेल्ट में गाते हैं कान में अंगुली दे के कि ए हे। छोरो बुरा तो नहीं लग रहा हूं ना कहीं ऐसे गा करके? मैं आपके वीडियो को लाइक करता हूं, भौरा राम बाढ़ मेरी, धन्यवाद, तेरा एहसान मानूंगा, मेरी सात पीढ़ियाँ भरी रहेंगी तेरी। सर आप बहुत अच्छा पढ़ा, सुपर हो सर, अच्छे तो आप हो बेटा। सर मैं हाँ सब अच्छे हो, आप ज़्यादा अच्छे हो। अजीत गुजर कमेंट सही सोच कर लिखा कर क्या लिख रहा है, लिखने दे। पिछली बार विधानसभा में हमारी दादी जी के ससुर जी ने गाया था तेजा, सोन क्या कह रही है कि ए एलो थारा रास पुरानी। किसानों के बच्चे जानते हैं रास क्या होती है, पुरानी क्या होती है। बैलों के रस्सी को रास कहते हैं, और वो उगलेट निकालने के लिए एक डंडा रखते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पुरानी। कि एलो थारा रास पुरानी भावज मारिए, कोई तेजो तो फल का जीमलो परणी कई हाथ का। ऐसे पांव का ठरका देते हैं और हाथ में छत्ता रखते हैं। जब ये गीत गाया जाता है तो ध्यान देना, तेजा टेर किसका गीत है? तेजा जी का गीत है। किसका गीत है? तेजा जी का गीत है। ये विशेष रूप से कहां गाया जाता है? मारवाड़ के किसान हलोत्या करते समय, हलोत्या पर गाते हैं इसको। हलोत्या को इधर ढूंढाड़ में हलसोत्या बोलते हैं बेटा, सही नाम इसका क्या होता है? इसका सही होता है मित्रों हलोत्या। हल करते ही हंस कौन रहा आरजे सिंह, मेरा फोन की आवाज कम करनी पड़ी, कम कर ले भाई, राजस्थान विदेश हम 2000। वो जो रूपाराम जी मुरावतिया जो वहाँ के मकराना के एमएलए ने, उन्होंने गाया था हाल में, जब दूब फंस जाती उसे पुरानी से निकालते। मुकेश कुमार सही कह रहा है भाई, रूपाराम जी एमएलए साहब ने गाया, बिल्कुल गाया। अलगोजा बजाया जाता है साथ में, ये जब तेजा जी की बंदूरी ढूंढाड़ में निकालते हैं ना बेटा, तब अलगोजा बजाया जाता है। तेजा जी की बंदूरी निकलती है ढूंढाड़ क्षेत्र में, उसमें अलगोजा बजाते। तेजा टेर गीत में तो किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता, याद रखना। एकमात्र गीत तेजा टेर ही ऐसा गीत है जिसमें किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता। केवल जीवना पांव में, दाहिने पांव में घुंघरू बांध के रखते हैं और उसको यूं पांव को करते जाते हैं, बस यूं करते जाते हैं। खारो तेरो तालाब भरगो कंवर तेजाओ, कोई खारिया की योगा जा लागी रहे खांडे खेजड़े। किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग इसमें नहीं होता, वो बंदूरी में होता है, ध्यान देना। मारवाड़ के किसान हलसोत्या पर कौन सा गीत गाते हैं? हलोत्या का मतलब है चौमासे में पहली बार हल जोतना, लिख लेना बेटा। चौमासे में पहली बार जब हल जोतते हैं बाकायदा किसान, वो गोगा राखड़ी बांधता है, गोगा जी के नाम की राखी, तेजा जी को मानने वाले तेजा राखड़ी बांधते हैं। और जब जाते हैं किसान तो बाकायदा बैलों की आरती उतार करके, बैलों को तिलक लगा करके विदा किया जाता था, और बाजरा आगे आगे चलता था, और हड़का मूठिया पकड़ करके किसान ये तेजा टेर गाया करता है। इसमें याद रखना किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता, किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता। अगर मारवाड़ में मान लीजिए बाजरा उग रहा है बढ़िया शानदार, बारिश नहीं हो रही, काफी दिनों से बाजरे के जलने की चिंता है, तब किसान फिर तेजा, गांव में एक चौक होता है जिसको तेजा चौक बोलते हैं, उस चौक में इकट्ठे होकर फिर भी गाते, हाथ में छत्ता लेके आते हैं। उनकी मान्यता है कि छत्ता लेके जाएंगे
तो वापस आते समय बारिश आएगी तो उससे बचना है, और निश्चित रूप से तेजा टेर गाने पर बारिश आती है। अब अगर आपकी बारिश की कमी है तो मेरी गारंटी, आप तेजा टेर गीत गाओ, निश्चित रूप से बारिश आएगी। मोहम्मद सोयब कह रहा है, सर जी फर्स्ट बार आपकी क्लास ली है, बहुत शानदार, लव फ्रॉम झालावाड़, थैंक यू। गुगरा बने बताए ना, वो दाहिने पांव में कविया जी जायलाना तेजा गायन के लिए बुलाना, कभी आएंगे। आरजे सिंह तेजा चौक होता है ना बेटा, आरजे सिंह महेंद्र हाय। ओम प्रकाश मीणा पंडित जी लड़का है या लड़की है। अनिल चौधरी सर रियासत और ठिकाना में डिफरेंट, रियासत में राजा होता है बेटा, ठिकाने में ठाकुर होता है। सर जी आपने गुरु बांध फिर डांस किया, लव यू गुरु जी, पूजा उमालावत गुड आफ्टरनून। हाँ सर सच में जाती, सच में हो जाती है बारिश, ठीक है ठीक है। आयो बाबो परदेसी खाली कोठा भर देसी, है ने मे बाबो आयो सिट्टा फड़े ल्यायो, आंधी आई मेगा जो बींद बींद ने ले बाजो। हमारा बालोतराब रामगढ़ बन रहा है कोरोना, भगवान बचाएंगे, उमा राम जाने, तेजा जी को याद रखना, कुछ नहीं होगा। एक चलते गीत मूमल, कौन सा गीत मूमल। अर्जुन सिंह पंडित जी सर मैं तो लड़की हूं, मुझे पता है इसीलिए मैं मजाक कर रहा था। मोर सिंह देखिएगा मूमल, ये है साहब लव सॉन्ग, ये प्रेम और सौंदर्य का गीत है। किसका गीत है साहब? प्रेम और सौंदर्य का गीत है, जिसमें सुंदरता का इतना गजब वर्णन है कि वाकई एक महिला की सुंदरता का वर्णन है। महिला है लोद्रवा की राजकुमारी, कहां की राजकुमारी? लोद्रवा की राजकुमारी मूमल, जो अमरकोट के राजकुमार महेंद्रा से प्यार करती थी। बस वो महेंद्र की नजर में मूमल कैसी लगती है, इसी के एक एक अंग का वर्णन किया गया है कि मूमल की नाक कैसी थी, मूमल की आंखें कैसी थी, मूमल की गर्दन कैसी थी, मूमल के पसवाड़े कैसे थे, मूमल की कमर कैसी थी, वो चलती तो कैसे लगती थी, उसके होठ कैसे थे, उसके दांत कैसे थे, उसकी हाथ की अंग, यानी कि शरीर का कोई अंग छोड़ा ही नहीं, सबका वर्णन इसमें किया गया है। तो ध्यान देना, ये प्रेम और सौंदर्य का गीत है। ये मुख्य रूप से कहां गाया जाता है? जैसलमेर और बीकानेर में गाते हैं मित्रों, जिसको बोलते हैं थड़ी, जैसलमेर और बीकानेर में गाते हैं। मैं गा के सुनाऊंगा, मस्त रहो। वैसे मैं दूसरी महिला की सुंदरता का वर्णन करूंगा तो मेरी साड़ी जी देखने कहीं नाराज हो जाएंगे कि चाहे मूमल के वर्णन क्यों कर रहा है, मेरी जीजी का क्यों नहीं कर रहा। खुशबू सिंगल कह रही है, जैसणेरी ए मूमल चाले है तो ले चालू मरुधर देश, काली काली काजल यारी रेख जी। सुनेंगे, ध्यान दीजिएगा, पहले इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यह सौंदर्य और प्रेम का गीत है जो जैसलमेर और बीकानेर में इसको गाया जाता है। मूमल कौन थी? याद रखना, मूमल सच में हुई है। मूमल एक जैसलमेर चित्रकला शैली का एक बहुत प्रसिद्ध चित्र भी है। मूमल चित्र किस शैली का है? जैसलमेर चित्रकला शैली का है। मूमल नाम की एक रचना महारानी लक्ष्मी कुमारी चूंडावत ने लिखी भी है, और मूमल एक लोद्रवा की राजकुमारी भी थी। कहां की? लोद्रवा। लोद्रवा कहां है जी? जैसलमेर, यहां की राजकुमारी थी। जैसलमेर के बसने से पहले जैसलमेर जो रियासत थी उसकी जो माड धरा थी उसकी राजधानी लोद्रवा होती थी। लोद्रवा काक नदी के किनारे बसा हुआ एक नगर था, आज काक नदी नहीं है लेकिन उस काक नदी के किनारे आज भी मूमल की मेड़ी खड़ी हुई है, जो मूमल और महेंद्र के अभूतपूर्व प्रेम की साक्षी, अद्भुत लव स्टोरी है जी मूमल की और महेंद्रा की। आजकल तो कहां लव करते हैं, कौन लव करते, ये थी लव स्टोरी मूमल की और महेंद्रा की। मूमल कौन थी? लोद्रवा जैसलमेर की राजकुमारी। ये किससे प्यार करती थी मित्रों? ध्यान देना, जो मूमल थी ये
अमरकोट, अमरकोट सिंध में पड़ता है पाकिस्तान में, अमरकोट के राजकुमार, राजकुमार का नाम क्या था, महेंद्र से प्यार करती थी, प्रेम करती थी, प्यार नहीं प्रेम। बताइए मूमल किससे प्यार करती थी, महेंद्र से। महेंद्र कहां का था, लोद्रवा का था। और मित्रों मजे की बात, ये मूमल डेली की डेली 120 किलोमीटर पड़ता है लोद्रवा से अमरकोट, डेली रात को अपने घर वालों के सोने के बाद अपना ऊंट लेकर वहां से रवाना होता, मूमल के महल में आता, घंटे भर उसके पास रुकता, ना जाने वो क्या क्या बात करते, भगवान जाने, ये अपने सिलेबस में है भी नहीं, नहीं तो मैं बता भी देता। उसके पास रुकता, रुकने के बाद में अपने घर वालों के जगने से पहले पहले वापस अमरकोट जाके सो जाया करता था, और पता तक नहीं लगने दिया कई दिनों तक, क्योंकि इसमें जिसका योगदान था, महेंद्र का एक गजब का ऊंट था, और मित्रों ऊंट का नाम था चिखल, नोट कर लेना आते हैं ऐसे प्रश्न, महेंद्र के ऊंट का नाम क्या था, चिखल, ये मैं यहां लिख देता हूं, महेंद्र के ऊंट का नाम था चिखल। छोरो ये स्टोरी सुनाऊं क्या आपको पूरी, प्यार तो आजकल का है, पहले तो प्रेम होता है, थानेदार कह रहा है सर इनकी लव स्टोरी भी सुनाओ। अच्छा हाँ, और सुनीता मैम ही है गुरु माता, अरे तेरे को पता भी है मूमल का गीत दापू खान ने बहुत अच्छा गाया, वाकई में बहुत शानदार, ट्रू लव स्टोरी सर जी, चिखल चिखल कविया सर से करती थी। बेटा अजीत सुधर जाने मुझे पिटाई कर दूंगा घर आके तेरी, छिपा हुआ था प्यार दोनों का, टीम में मिल जाओ, आपके बिना टीम अधूरी है, टीम फिर भी ठीक है। सुनाओ 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 सुना सुना दो गज्जू काका, संतोष मीणा सुनाओ 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 सुनाओ। होता क्या कि एक दिन ये अमरकोट का राजकुमार महेंद्र अपने बहनोई के साथ, और बहनोई थे गुजरात के बघेला, मित्रों अपने बहनोई के साथ जाड़ेजा थे उनके साथ में आया शिकार करने, काक नदी के किनारे, काक नदी के किनारे के इलाके में शिकार करते हुए, और वहां पता चला कि लोद्रवा की राजकुमारी है जिसका नाम है मूमल, जो एनिंदे सुंदरी है, इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि वो पानी भी पीती है तो गले में से दिखाई देता है, इतनी गुणवान है, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं, कुछ पहेलियां पूछती है, उन शर्तों को जो पूरा कर देगा वो उसी के साथ शादी करेगी। तो वो एक ऐसे महल में रहती थी कि वहां तक पहली बात तो पहुंचना ही कठिन था, फिर भी कैसे जैसे इस बात का पता महेंद्र और उसके जीजा जाड़ेचा को पता चला, तो जीजा गया खाके बछीड़ वापस आ गए, लेकिन वो पूछ नहीं पाया। फिर इसने कहा अपने साड़े को, कहा यार दिखा तो दे कम से कम, वैसे मैं तेरी जीजी से प्यार करूंगा, दूसरे से नहीं करूंगा, लेकिन एक बार यार महेंद्र मुझे दिखा मूमल कैसी है, तू ज्ञानी आदमी है। तो ये मूमल बड़ा चतुर, ये जो महेंद्र बड़ा चतुर था, ये गुप्त रास्तों से ना जाने उस भूल भुलैया से गुजरते हुए कहां तक पहुंच गया, मूमल तक। मूमल ने कई प्रकार से उसकी परीक्षा ली, और हर परीक्षा में जो भी पहेली पूछे सब कुछ पूछे, उसमें जवाब तुरंत दे देर मूमल हो गई उस पर फिदा। अब साहब हुआ क्या कि ये महेंद्र ऑलरेडी शादीशुदा था, पहले से ही शादीशुदा था, लेकिन मूमल इस पर फिदा हो गई, और महेंद्र भी मूमल पर फिदा हो गया। अब शादीशुदा दूसरी शादी भी कैसे करे, लेकिन साहब प्यार तो प्यार होता है, घर वालों को भी इसका पता चल गया तो चारों तरफ पैरा बैठा दिया कि ये महेंद्र कहीं मूमल के पास चला नहीं जाए। लेकिन कहते ना जब जब प्यार पे पहरा हुआ है, प्यार और भी गहरा गहरा हुआ है। ये बेटा रात को उस चिखल ऊंट को, बहुत प्यारा ऊंट था चिखल, नाचना नस्ल का ऊंट, लेकर के वहां से रवाना होता, रात भर मूमल के महल में थोड़ी देर रुकता, चौपड़पा से खेलते, बातचीत करते, प्यार प्रेम की इधर उधर की बातें होती, नजरें मिलती, दिल धड़कता, और वापस घर वालों के जगने से पहले सो जाया करता था। लेकिन जो महेंद्र की जो पत्नी थी जिससे शादी हो चुकी थी, उसने एक दिन अपने सास ससुर को कह दिया, तो ये तो रात को मेरे पास रहता ही नहीं, ना जाने कहां जाता है। उस महेंद्र का पिता अंधा था, बोले ऐसा हो नहीं सकता ना, मेरा महेंद्र तो ऐसा तो नहीं है, फिर भी बोले आ जाने दे। सुबह सुबह गया, जैसे ही जाकर के बापू ने देखा तो उसके बाल भीगे हुए थे,
वो अंधा था उसका पिता, लेकिन बालों को सूंघ कर पता लगा लिया कि ये तो काक नदी के पानी में भीगा हुआ है, काक नदी के पानी की खुशबू है। इसका मतलब निश्चित रूप से ये लोद्रवा की राजकुमारी मूमल से मिलने रात को जाता है। किससे मिलने जाता था? बेटा मूंछ आ जाएगी तेरे बीच में कुछ नहीं है, तो उससे मिलने जाता है। अब साहब उसको समझाया, लेकिन बेटा प्यार कम थोड़ी होता है। आखिर में घरवालों ने क्या किया, बार बार मिलता तो एक उपाय निकाली। जो एक दिन क्या किया, इस महेंद्र की भाभी ने जो चिखल ऊंट था अमावस्या की रात की चिखल को खोल के दूसरी जगह बांध दिया, जहां रोजाना चिखल बनता था वहां एक कमजोर ऊंटनी को बांध दिया। अब अंधेरे में उस महेंद्र को पता चला नहीं, और चिक्कल की जगह उस सांड बोलते हैं, उस ऊंटनी को लेकर वो रात को चल पड़ा और निश्चित समय पर मुमल की मेड़ी में नहीं पहुंचा। उधर मुमल बड़ी बेताब हो रही थी, बेचैन हो रही थी, कब आएगा मेरे बंजारे। जब वो नहीं आया नियत समय पर, तो मुमल ने अपनी बहन को जगाया। याद रखना, मुमल की एक बहन थी जिसका नाम था सुमल। सुमल को जगाया कि जब तक वो नहीं आया इसके पास खेल के टाइम पास करते हैं। तो उसने अपनी बहन सुमल को पुरुष के कपड़े पहना दिए, खुद महिला के ड्रेस में थी, और दोनों चौपड़ खेलने लगी। और खेलते खेलते दोनों को ना जाने कैसे नींद आई कि दोनों बहनें एक दूसरे को बाहों में लेकर सो गई। अब वो कमजोर ऊंटनी पर बैठा हुआ काफी लेट आ करके जब महल में सीधा पहुंचा, खिड़की से रस्सी लटका दिया करती थी, अंदर देखा तो पुरुष के रूप वेश में थी सुमल और उसकी बाहों में मुमल। उसको देखते ही डाफा सुकर रहा सड़ा, एक घंटे लेट हो गया जितने में दूसरा, उसका वहीं दिल टूट गया। और अब देखा क्या करे, ऐसी जो शक हो गया जी उसमें, वो तो बिल्कुल सती सावित्री थी, लेकिन शक हो गया कि ये तो बदचलन है, इसको पता तो चलना चाहिए कि महेंद्र आया था, तो अपनी जूतियां वहीं खोलकर और वो वापस अमरकोट आ जाता है। अब साहब सुबह उठ करके जब उसने महेंद्र की जूतियां देखी, तड़प उठी कि रात को महेंद्र आया था और इस सुमल को बाहों में देखकर उसने दूसरा अर्थ लगा लिया और मेरा प्यार सदा सदा के लिए छिन गया, और यही शक इनकी जान ले लेता है। इधर साहब वो बहुत 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 संदेश भेजती, आजा आजा, वो मेरी बहन थी, लेकिन वो उस पर भरोसा नहीं करता है। वो कहती मैं तेरे से दिलो जान से प्यार करती हूँ और मैं तेरे लिए मर जाऊंगी। तो आखिर में देखा कि यार क्या पता कोई गलत भी हो सकता, वो सुमल ही होगी। तो उसने इसके प्यार की परीक्षा लेने के लिए एक संदेशवा को झूठा संदेश पहुंचा दिया कि काले नाग के डसने की वजह से महेंद्र मर गया है। और यह खबर जैसे ही मुमल ने सुनी और मुमल मर गई। और जैसे ही मुमल मरी, महेंद्र पागल हो गया और रेगिस्तान में भटकता रहा फकीर की तरह, और मुमल के गीत गाता रहा। यह है महेंद्र और मुमल की लव स्टोरी। वही मुमल जब पागल हो गया तब यह गीत गाता रहता था कि जुग प्यारिये मुमल चाले तो ले चालू अमराण देश, जियारी प्यारिये मुमल चाले तो ले चालू मरुधर देश। उसके सुंदरता का कि काली काली काजल यारी रेख जी, आंखों की सुंदरता देखना कि काली काली काजल यार। ये जो कुछ लोग रो रहे हैं बेटा, प्यार असली वही होता है जिसमें प्राप्ति नहीं होती, और जब दोनों में मिलन हो जाता है तो जूत बाजते हैं आपस में लठ, वो चीपिया फूंगनी उठाती है, वो मूछड़ उठाता, लड़ाइयां होती है आपस में। तो प्यार तो जब तक दूर दूर रहते हैं तब तक ही रहता है, मिलते तो उसकी चोटी उसके हाथ में और उसकी मूंछ उसके हाथ में है कि नहीं। जियारी प्यारी ये मुंह, अब दे आंखों का वर्णन कि काली काली काजल यारी रेख जी, कोई भूरोड़ा बादल में चमकी बीजड़ी, जुग मिली जुग वाली मुमल चाले तो ले चालू मरुधर देश। कि पेट मुमल रो, आजकल तो ये पेट ऐसा होता है लुगाइया का जैसे नंगाड़ा हो,
तूंद निकली भी मुमल का पेट देखना कैसा, कि पेट है मुमल को पीपल के रो पान जी, पीपल के पत्ते जैसा ऊपर से चौड़ा नीचे से पतला, उर चोड़ी कर पातली और ठाओ ठाओ मंस, उर चोड़ी कर पातली ठाओ ठाओ मंस, अरे महेंद्र तेरी मुमली ज्यू पाबा सर को हंस, महेंद्र थारी मुमली ज्यू पाबा सर की, पेट है मुमल रो पीपल के रो पान जी, कोई पसवाड़ा मुमल का बीजल सार का जुग मीठी है, बीजल सार का बोलते तलवार को, तलवार जैसा पसवाड़ा, जुग मीठी है मुमल चाले है तोले चालू मरुधर देश, कि दांत मुमल का दाड़म के राबीज जी, अनार के दानों जैसे दांत, कि दांत मुमल का दाड़म के राबीज सा, कोई होठ मुम, रहने दो यार फिर तुम ऐसे ठीक नहीं है, कभी सर आपकी भी लव स्टोरी बताओ ना, बेटा मैंने लव नहीं किया, मेरे तो डायरेक्ट दो बच्चे ही हुए थे, ठीक है, पीपल की पेर पढ़ाओ सर, इजाजत हो तो मैं भी अपनी सुना डालूं, हाँ बमरा राम सुना दे भाई सुना दे, ईस्ट इज वेस्ट कविया सर, ओहो सर बात इतने अनोखो ठरको अनोखो हो जाएगा, ध्यान देना, तो इस प्रकार ध्यान देना, ये मुमल गीत प्रेम और सौंदर्य का गीत है जो जैसलमेर और बीकानेर में गाया जाता है, मुमल एक लड़की थी जो लोद्रवा की राजकुमारी थी और अमरकोट के राजकुमार महेंद्र से प्रेम करती थी, और महेंद्र का जो ऊंट था उसका नाम चिखल था, महेंद्र की छोटी बहन का नाम सुमल था, क्या नाम था सुमल था, और मित्रों अगर बाय द वे पूछा जाए कि मुमल गीत किस राग में गाया जाता है तो मुमल गीत माड राग में गाया जाता है, और माड राग की उत्पत्ति अपने जैसलमेर से हुई है, कहां से हुई है, कई रागों के नाम क्षेत्र विशेष पर है, जैसे आपने सोरठ राग सुनी होगी, सोरठ जब ही गाइए जब सोबो पड़ जाए, ज्ञानी हो सो उठ सुने और मूर्ख हो सो जाए, तो सौराष्ट्र गुजरात में सौराष्ट्र से निकली वो सोरठ राग कहलाई, ये कह रहा है कि डायरेक्ट हेट नालायक शासन सचिवालय बुद्धाराम स्वामी, क्या बात है बमरा राम बाड़मेर कहाँ से हो जी, प्लीज अब तक सो हो गया, ठीक है आ जाओ बेटा, ये माड राग में गाया जाता है, इसकी राग पूछे तो कौन सी बताओगे, मुमल गीत की, मुमल गीत की जो राग है वो माड राग, आइए आगे गीतों की तरफ और चलते हैं, आज गीत पूरे करने हैं, अब थोड़ा स्पीड ले लूंगा यार, गीत ही गीत थोड़ी रोजाना पढ़ाएंगे, घंटे भर में काम सड़ जाता, आठ आठ दिन हो गए यार गीत गीत पढ़ते भी, तुम बातें ज्यादा कराने लग जाते हो, एक गीत है जो बारियो, किसानों के बच्चे जानते हैं बारियो, याद रखना कौन से गीत हैं बारियो, ये कोई क्षेत्र विशेष का नहीं रोहित गुरु भक्त हैं, सिंचाई करते किसान, कोई क्षेत्र विशेष नहीं, ये भरतपुर धौलपुर भी होता है, ढूंढाड़ में भी सिंचाई होती है, मारवाड़ में भी होती है, और जब फसलों की सिंचाई करते हैं उस समय कौन से गीत गाते हैं बारियो, कान में अंगुली देकर के तेजा जी की तरह, कि लाभ ने ढीली दे बड़ जाने कोलर दे यही बोलो रे, पहले चड़स रहेट और ढेकली चलती थी ना बेटा, तब ये गीत गाए जाते थे, आजकल तो बिजली है, बटन दबाया और फवारे चक 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 नोजल चलते हैं, तो कोई बारिया हो तो पहले तीन चार आदमी की जरूरत पड़ती थी, सिंचाई करने वाले किसान देखिए, एक होता था जिसको बोलते थे पाणत्या, सिंचाई जो खेत में कर रहा है उस किसान को क्या कहते हैं पाणत्या, एक चड़स को झेलता था, जो चड़स को झेला करता था उसको बोलते थे बारिया, और एक बैलों को हांकता था उसको बोलता था कील्या, इस प्रकार तीन जने मिलकर के सिंचाई किया करते थे,
किलो बारियो और पाणत्यो, एक कितने की आवश्यकता पड़ती थी, तीन जने मिलकर के ये कथा अपने शेखावाटी में होता है, पूरे राजस्थान में होता है। तूने शेखावाटी देखी इसलिए गिरधारी लाल डूडी तेरे को शेखावाटी का ही पता है। लेकिन शेखावाटी वाले बारियों में मजे लेते हैं, बातचीत भी आपस में कर लेते हैं। और एक बारिया तो उस टाइम हुआ जब इमरजेंसी लगाई और इमरजेंसी के बाद में चुनाव हुआ, उत्तरी भारत में पूरा सूपड़ा साफ, केवल नागौर से मिर्धा जी जीते थे, एक सीट आई थी पूरे उत्तरी भारत में नागौर से मिर्धा जी जीते थे। और वो कहते ना बीबीसी बुला दी थी उन्होंने, केवल एक सीट, इंदिरा गांधी खुद हार गई चुनाव। तो शेखावाटी के किसानों ने मजे लिए, बोले क्यों हारी, किरा लाभ चढ़स कुआ में पड़गा मांडल पड़गी गारा में, अरे लाभ चढ़स कुआ में पड़गा मांडल पड़गी गारा में, अरे इंदिरा गांधी का वोट टूटगा नसबंदी का बारा में। जबरदस्ती पकड़ पकड़ के नसबंदी करवा दी थी उससे पहले इमरजेंसी के दौरान। तब किसानों ने कहा कि नसबंदी के चक्कर में हमने उसको वोट नहीं दिया, है ना। ऐसे गीतों को क्या कहते हैं बेटा, बारिया कहते हैं, जो सिंचाई करते हुए किसान गाते हैं। किलिया बारिया पाणते लिख लिया होगा आपने, लाभ चढ़ चुका में बड़ी मंडल बड़गी गारा में, रे इंदिरा गांधी का वोट टूट कर नसबंदी का बारा में। एक गीत नेहड़ा, इनका एक नाम और है, इनको मीणावाटी भी कहते हैं, नेहड़ा या मीणावाटी गीत, नेहड़ा या हंस रहे हैं बेटे, यस शाही बदलो, ये ले मेरा काका, ये शाही बदलते हैं और ये ले लेता हूं, ये ले, ठीक है। मीणावाटी गीत, ये गीत गाए जाते हैं ढूंढाड़, कहां पर गाते हैं, ये नाम ही मीणावाटी, बाकी गुजरों के गीत हैं, ढूंढाड़ के गुर्जर व मीणा गाते हैं। कौन कौन गाते हैं, ढूंढाड़ क्षेत्र के गुर्जर और मीणा गाते हैं। वो गीत है नेहड़ा, जिसमें नेह है, प्यार है, प्रेम है, ऐसे गीत क्या कहलाते हैं, मीणावाटी गीत भी कहलाते हैं। सही नाम इनका नेहड़ा है, लेकिन मीणा क्षेत्र में ज्यादा प्रचलित होने की वजह से इनको क्या कह देते हैं, मीणावाटी गीत। तारी जी जी ने पूछू लोरे डियो डियो कायन खेचे, ढाई कड़ी होती है इसमें केवल, अरे लाडू खावे तोर बताऊं रे धोड़ा डूम लम छे, ऐसे नाचते हैं उसके साथ साथ, है ना, है ना। अरे थारी जीजी खंदाई जना लियो रे रोई किया आर गेला में, हम्बे आर गेला में, अरे कहीं काची काची मूफड़िया ने मोर खावे छे, हम्बे मोर खावे छे, अरे लग लग तो त्योरे जीजो मारो आम लियावे लो, डियो रे डियो रे डियो रे डियो रे थारी जीजी ने पूछू लो रे ओ डियो डियो काये ने खेचे, अरे कांग्रेस की गाड़ी आई वोट ले बाने, हम भाई वोट ले बाने, अरे दोनों नंद भोजाई बतड़ावरे शोको नोट ले बाने रे शोको नोट ले बाने, डियो रे डियो रे डियो रे डियो रे, ऐसे गीतों को कहते हैं मीणावाटी। छज्जे ऊपर बोयर बाजरो खिल गए फूल, चमेली को रसिया है रसिया, छज्जे ऊपर बोयर बाजरो खिल गयो फूल चमेली को। अशोक जाट हंस रहा है, कविता चौधरी हंस रही है, प्रवीण जांगू सब हंस रहे, दांत निकाल रहे, गुरुजी थोड़ी मारवाड़ी चेपो, निर्मला कह रही है पूजा 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 तेरा यार थानेदार, हाड़ोती के गीत, हाड़ोती में बेटा गीत कम हुए हैं, आधुनिक जो गीतकार सर्वाधिक भी हाड़ोती में भी हैं, दुर्गादान सिंह गोड़, गोरी गोरी गज बण बणी रठणी मुजरो मुजरो खमागणी, और जी पर भी तेरो जादू चल जा उनको तो छेरे रामधनी, गोरी गोरी गज बण बणी रठणी मुजरो मुजरो खमागणी। रघुराज सिंह जी हाड़ा बहुत अच्छे गीतकार भी हाड़ोती में, जा कलूटा जी दिन लूंगे उड़ जागो अन्याव, दो रोटी कांदा के साटे मुंह जगभर को दातार, बड़ सर का मारा साथी सबर करंती नार। आइए सोनल सोनल हंस रही फूफा जी पर, तो ध्यान देना, ढूंढाड़ के गुजर और मीणा जो गीत गाते हैं उनको नेहड़ा गीत कहते हैं, इन्हीं का एक नाम मीणावाटी गीत भी है। थोड़ा टाइम है अपने पास कम, और गीत अपने को आज सल्टाने, एक लावणी, कौन से गीत, लावणी, लावणी गीत कौन से हैं साहब,
धार्मिक महत्व के महापुरुषों के जीवन का वर्णन करने वाले की लिखो कि जीवन गाथा के गीत, इसमें जन्म से लेकर मृत्यु तक कोई भी धार्मिक महत्व का कोई संत हुआ वो हुआ सब बेटा फूफा जी और भी हो सकते हैं जिसके लुगाई है वो सब फूफा जी हो तेजा जी का अरबी रोहित गुरु भक्त तेजा जी का सुनाया था ने सुन तेजा जी रे तारी बम्बी पे रे बम्बी पे काली काली रे बादलिया गरजी रे तेजा जी सुन तेजा जी रे लाचा की रे लाचा की तू तो गाया तू तो बेगी गाने लायो रे तेजा जी। तो जीवन का जिसमें पूरा जीवन का वर्णन होता है, याद रखना धार्मिक महत्व के महापुरुषों की पूरी जीवन गाथा का जिन गीतों में वर्णन किया जाए इसमें ऐसा होता है जी कहानी और गीत साथ साथ साथ, गीत में कहानी और कहानी में गीत, गीत को सुनते हैं तो पूरी कहानी समझ में आ जाती है। आज भी अपने हरि कीर्तन जागरण होते हैं तो रात को कलाकार एक गाथा गाता है और फिर बोल करके समझाता भी है, है ना, 5-7 मिनट गाएगा और फिर प्रेमी सजनों बताया कवि ने और फिर उसको बोल के व्याख्या करता है, फिर कहता फिर वो गाता है फिर बोल के अर्थ ऐसे करके पूरी कहानी। जैसे राजा हरिश्चंद्र की कहानी, डस गयो बेरी नाग कमर रोहितास ने छाती भर आवे बेटा देखूं थारी लाश ने। रोहित कुमार जो राजा हरिश्चंद्र का बेटा बगीचे में जब फूल तोड़ने गया सांप डस लेता है, किस प्रकार उसकी पत्नी तारा उसको लेकर के शमशान घाट में जाती है, हरिश्चंद्र उसे साड़ी का पल्ला ले लेता, ऐसी पूरी घटना जिसमें दी जाए ऐसे गीत को। धार्मिक महत्व के पुरुष राजा हरिश्चंद्र हैं, ऐतिहासिक कोई महत्व नहीं, धार्मिक महत्व है। श्रवण कुमार कोई ऐतिहासिक महत्व नहीं लेकिन भारतीय धार्मिक महत्व है, श्रवण कुमार का बहुत है कि नहीं। श्रवण कुमार जिसने अपने अंधे माता पिता को कावड़ में बिठा करके पूरे भारत की तीर्थ यात्राएं करवाई, प्यासे को नीर पिला दे श्रवण सुत लाल हमारे, प्यासे है नीर पिला रे श्रवण सुत लाल हमारे। इसमें गीत में कहानियां चलती है। एक भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ ब्रज में तो कहते हैं भोलेनाथ भगवान शंकर की बहुत तड़प हुई कि यार मैं बचपन का रूप देखना चाहता हूं भगवान का। तो कैलाश से शिवजी आते हैं जोगी का रूप धारण करके कृष्ण भगवान के दर्शन करने, लेकिन जसोदा उसको दिखाती नहीं। ये कहानी लेकिन कहानी को गीत के माध्यम से लावणी में कि कैलाश आंसू हुआ बिदा भोलानाथ बम बम चंद्रमा लीलाट ऊपर, कैलाश आंसू हुए बिदा भोलेनाथ बम बम हाथ में त्रिशूल डमरू बाज रहे हो डम डम चंद्रमा लीलाट ऊपर कर रहे हो चम चम, कैलाश पुरी सु चाल के बाबू नंद महर कर आयो है। तो जसुमती बार आई हीरा मोती लाल लाई, हीरा मोती लाल देऊ रतन अमोला रे, जसुमती बार आई हीरा मोती लाल लाई, हीरा मोती लाल देऊ रतन अमोला रे। तो कहता कि नाच ये तेरा हीरा मोती रतन अमोला रे, लाल को दिखा दे मैया मैं हूं जोगी बोला रे। फिर ये सोचा कि तातो पानी कर दूं जोगी बैठ करके ना इले, भूख लगी तो बाबा दही रोटी खाए ले, लाल को दिखाऊं कोनी चाहे भिक्षा ना इले। भगवान शंकर बड़े उदास हो जाते हैं, यार जिस चीज से आया वो तो मिल ही नहीं रहा, हीरे मोती रत्नों का क्या। वो कह देती है बच्चा नहीं देगा, हीरा मोती लाल देऊ रतन अमोला रे, तातो पानी कर दूं जोगी बैठ करके ना इले, रे भूख लगी तो बाबा दही रोटी खाए ले, पण लाल को दिखाऊं कोनी चाहे भिक्षा ना इले। अब जैसे शंकर भगवान रवाना हुए, कृष्ण भगवान समझ गए भोलानाथ को तो वापस विदा कर दिया, तो कृष्ण भगवान पाखंड रचते हैं उधर, कृष्ण भगवान रोने लगते हैं। तो 10-20 ब्रज की नारी, कोई बोले कीड़ो कांटो भर लियो बट को, और कोई बोले इक तोरे कान में है चट्ट को। कहानी चल रही गीत के, कोई बोली कीड़ो कांटो भर लियो बट को, और कोई बोले इक तो है कान में रे चट्ट को, और जसुमती बोली मेरा मन में एक खट को, आयो हो एक जोगीड़ो वो कर गयो टूणू रे, जाबा नहीं देशो जोगी हेरू उणू खूणू रे। आखिर में उसको लेके आते हैं और उनके दर्शन करा देते हैं। ऐसे गीतों को जैसे राजा मोरध्वज की लावणी, हरिश्चंद्र की लावणी, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की लावणी, ऐसे कथा में गीत, गीत में कथा होते हैं, ऐसे गीतों को क्या कहा जाता है मित्रों? ऐसे गीतों को कहा जाता है लावणी। एक देखते हैं गीत है जिसका नाम है
चितार। कौन सा गीत? ये किसी प्रिय की याद में। गाया जाता है। ये जरूरी नहीं कि लुगाई अपने पति की याद में गाए। पति भी पत्नी की याद में गा सकता है, कान्हा जी का एक कम हा। पति भी पत्नी की याद में गा सकता, भाई को विदेश बैठे भाई की याद आई तो भी गा सकता है, दोस्त को दोस्त की याद आने पर भी गा सकता है। ऐसे आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे हो मेरे। चितार का मतलब याद होता है, किसी प्रिय को याद करते हुए उसकी याद में गाए जाते हैं उन गीतों को क्या कहते हैं? चितार कहते हैं। नोट करते जा रहे हो ना? एक गीत है रतन राणा, रतन राणा, रतन राणा है मारवाड़ का शोक गीत, शोक दुख में गाया जाता है। आपने देखा होगा जब मृत्यु भोज के 12वें दिन होता है, 13वें दिन मारवाड़ में एक परंपरा होती है शोक बंजावा, हिंदी में कह सकते हैं शोक भंजन। उस दिन क्या होता है, मीठी बाकायदा घर में चावल मिठाई हलवा बनाया जाता है और जो रिश्तेदार होते हैं वो खाना अपने पैसे से खाना बना करके जिसके घर में मौत है उनके सारे घरवालों को जिमाते हैं और कहते हैं आज से शोक का भंजन हो गया, आज से शोक नहीं करोगे। उस समय जिसके पिता चल गए माँ चल गए वो रोता भी है, और उस समय विशेष रूप से राजपूतों में जो ढोली जो लोग होते हैं वो ये गीत गा करके, क्योंकि ये रतन राणा एक बहुत 1857 की क्रांति का नायक था, अमरकोट का राजकुमार था। अमरकोट का राजकुमार जो 1857 की क्रांति का नायक था, अंग्रेजों से लड़ा, अंग्रेजों से लड़ने के लिए जब निकला तो जाते हुए को अमरकोट के लोगों ने देखा था, वापस आते हुए नहीं देखा, जिंदगी भर पहाड़ों में अंग्रेजों से लड़ता रहा। तो आज भी अमरकोट के लोग कहते हैं कि हो जी मारा रतन राणा एकर तो अमराणे घोड़ो फेर। हे अमरकोट के राणा, एक बार तो घोड़ा लेके जैसे तू गया था वैसे वापस तो आ, तू हमसे ओझल क्यों हो गया? तो याद रखना मारवाड़ का शोक गीत कौन सा है? रतन राणा। कब गाया जाता है? मृत्यु के अवसर पर। एक रस्म, रस्म का नाम कौन सा है? शोक भंजन। शोक भंजन की रस्म पर गाते हैं। कौन सा गीत गाते हैं साहब? रतन राणा। छोरो मारवाड़ी छोरे बहुत देख रहे हैं, ये बताओ ये क्या है? धूसो। मारवाड़ियों धूसो धूसो धूसो, बताओ धूसो क्या है? प्रिया सर आज तो मेरी मम्मी ने भी आपकी क्लास ली, उन्हें अच्छी लगी। मैं अच्छा लगा, क्लास अच्छी लगी, ठीक है। धूसो ये है मारवाड़ का राज्य गीत, मारवाड़ का राज्य गीत। अरे धूसो बाजो रे राजा जी हनुमत सिंह को रे, धूसो बाजो रे भाई भाई रे। मारवाड़ का शोक गीत कौन सा है? धूसो। धूसो मारवाड़ का शोक गीत है, सॉरी धूसो मारवाड़ का राज्य गीत है। मारवाड़ का राजस्थान का राज्य गीत, राजस्थान का राज्य गीत केसरिया बालम। मारवाड़ का राज्य गीत धूसो। रतन राणो मारवाड़ का शोक गीत है, जो मृत्यु पर जो शोक भंजन की रस्म होती है उसमें ये गाया जाता है। ठीक है मित्रों, इस प्रकार हमारे जो महत्वपूर्ण गीत थे वो गीत पूरे हुए। अगली कक्षा में मैं फिर कल 3 बजे हाजिर होता हूं एक नया बिंदु लेकर के। कमेंट में बता दें आप क्या पढ़ोगे, या कल डिसाइड कर लेना जो आप पढ़ना चाहते हो। केसरिया बालम सुनाऊं? केसरिया बालम आवो नी पधारो मारे देश। कौन सा है लव सॉन्ग? केसरिया बालम विरह गीत है। थैंक यू बेटा, मत मजाक करता हूँ। बड़ी प्रियंका जय हो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। 5 मिनट 5 मिनट ओके बाय बाय। अब चाहता हूँ आपसे इज्जत, कल 3 बजे फिर मिलना।